तरवार उपदेश पेश करते ने। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। प्रभ सिमरत कछ बिगन न लागे, प्रभ के सिमरन आनंदन जागे। प्रभु का सिमरन करने से कोई विघन नहीं संभवता। जेड़ा पुरुष प्रभु का सिमरन करता है आनंदन वाहेगुरु कल नू जागदा है। जेड़ा आपां जदों दुनियावी विहार करदे हैं उदों भगवान कलों सुत्ता पिया। ऐस वक्त पुरश भगवान कल जागदा है। जदों वाहिगुरु दा सिवरन करदा है उदों भगवान कल जागदा है। जदों वाहिगुरु नूं भुलदा है उदों सुत्ता पिया। जेड़ा पुरश वाहिगुरु दा सिवरन करी जांदा है वो जागदा है। ऐसे किया प्रभ के सिमरन पावना व्यापे, प्रभ के सिमरन दुख ना संतापे। प्रभ का सिमरन पावना व्याप है। प्रभु का सिमरन करने से जमा का भय नहीं व्यापदा, काल का भय नहीं व्यापदा। जेड़ा पुरुष प्रभु का सिमरन नहीं ना करता जदों ये दुनिया नूं छड़दा है भयंकर रूप ये काल आके ये नेड़े आउंदा है। जिस पुरुष ने वाहिगुरु का सिमरन नहीं करिया जदों अंत समा हुंदा है ना इहनूं इन्नी तकलीफ हुंदी है कि 60,000 विशु एक बारी डंग मारे उन्नी तकलीफ अंत वेले हुंदी है। ते जेड़े पुरुष भगवान का सिमरन करते हैं उन्होंने नेड़े जाम कोई तकलीफ पै नहीं आता। जे पुरुष अंत वेले सिमरन भगवान का करे सिद्धा वैकुंठ नूं जांदा है। जे पुरुष भगवान नूं विसरदा वो हो सकता किसी जूना विच रुड़ जे पै जे। इस करके दस्या प्रभ का सिमरन पौ ना व्यापा, प्रभ का सिमरन दुख ना संतापा। प्रभु का सिमरन करने से इन कोई दुख संता नहीं सकता। कोई भी दुख दलिद्र उस मंजिल ते जाके खत्म है। ऐसे गुरु साहब ने सुखमनी साहब विच कहा प्रभ का सिमरन साध के संग सर्व निदान नानक हर रंग। प्रभु का सिमरन सत्संगत करके करो, मिलके करो। प्रभ का सिमरन साध का संग सर्व निदान नानक हर रंग। नाए नौ निधियां 18 सिद्धियां इस पुरुष नू प्राप्त हो जाते हैं कि महाराज ऐसे फरमा रहे हैं। लिया आप शब्द विच इहदा अर्थ करिए संत जना मिल हर जस गायो, संत जना मिल हर जस गायो, संत जना मिल हर जस गायो, संत जना मिल हर जस गायो। संत जना मिल हर जस गायो, संत जना मिल हर जस गायो, संत जना मिल हर जस गायो, संत जना मिल हर जस गायो। कोट जन्म के दुख गवायो, कोट जन्म के दुख गवायो, कोट जन्म के दुख गवायो, कोट जन्म के दुख गवायो। हाँ, जेड़ा
सत्संगत करके सिमरन करना है, करोड़ा जन्मां दे पाप नाश हुंदे है। ऐसे सतगुर कहिंदे है कि क्या प्रगट सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग। नाए नौ नितियां 18 सिद्धियां उस पुरुष नूं प्राप्त हो जांदियां हन। ऐसे क्या प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नाम दो, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तद बुद्ध। प्रभु दा सिमरन करने से नौ निधियां 18 सिद्धियां रिद्धियां सिद्धियां किस तरह दियां होंदियां? कई रिद्धियां ऐसियां छोटा स्वरूप हो जाना, कई रिद्धियां ऐसियां अनेक स्वरूप धार लेने, कई रिद्धियां ऐसियां आकाश में उड़ जाना, कई रिद्धियां ऐसियां सारी दुनिया की आकाशवाणी सुन लेनी, कई रिद्धियां ऐसियां है कि जो पुरुष कह दे ओही होएगा। इस तरह नौ निधियां 18 सिद्धियां ये मिलन किवें? एक भगवान का सिमरन करके। ऐसे महाराज कहते प्रभ के सिमरन जप तप पूजा, प्रभ के सिमरन बिन से दूजा। जेड़ा प्रभु का सिमरन कर चुका वो जप कर चुका, तप कर चुका, पूजा कर चुका ओ उरे सारे बंधन कट्टे जाते हैं। क्यों के जो वाहिगुरु का सिमरन अंदर है तो जग पिछे रह गया, ताप पिछे रह गया, पूजा पिछे रहेगी, सब कुछ कर चुका। जेड़े गुरमुख लोग है वो एक ओंकार से मुका देंगे है, जिदे हिरदे में एक ओंकार निवास कर गया वो जग ताप वर्त पूजा सब कर चुका। जदों उन्हां दा आवन जावन मुक जांदा जिहड़े आर्थ लोग है, जिहड़े गुरमुख लोग है, वो सब कुछ विच्छे आ जांदा है। ऐसे है प्रभ के सिमरन तीरथ इशनानी, प्रभ के सिमरन दरगाह मानी। जो पुरुष प्रयागराज आए ठाठ तीर्थां दा राजा है, जिहदा इशनान करके ना ते 18 तीर्थां दा इशनान हो जांदा 12 साल दे पाप नाश हो जांदे। एक किस तरह प्रभु दे सिमरन दे विच की महात्म है। एक दिन कुंभ दा सी, कुंभ आ गया ते गुरु पंजवें पातशाह नूं पुछण लगे महाराज जी इहदा की महात्म है। वो कहिंदे भाई इह 12 साल पिछों आउंदा कुंभ। हाँ कहिंदे जे इहदे विच इशनान कर ले 12 साल दे पाप नाश हुंदे आ। ऐसे क्या प्रभ के सिमरन होए सो पला, प्रभ के सिमरन सफल फला। प्रभु का सिमरन करने से सारी का फला हो जाता है, प्रभु का सिमरन करने से जन्म सफल हो जाता है, नहीं जन्म बेअर्थ गया। एक गुरु साहब कहते हैं ऐसे क्या से सिमरो जिन आज सिमराए, नानक ताके लागो पाए। हे पुरुषो से सिमरो जिन आप सिमराए, ओ पुरुष सिमरदा है जिन्हों वाहिगुरु के जीदे ते वाहिगुरु दा सिर ते हत्थ है। नानक ताका लागो पाए, ओ जो पुरुष सिमरन करन वाले है मैं उन्हां दे चरण कमलां नूं नमस्कार करता। ऐसा ए सिमरन दा महात्म दस्या, भजन दा महात्म दस्या भगवान ने। फिर सुखमनी दे विच की वस्तु भरिया? ऐसे क्या
प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ का सिमरन उदरे मूचा। प्रभु का सिमरन करने वाला सब दुनिया तो ऊंचा निकल जाएगा। प्रभु का सिमरन करने वाला अति दोषी भी है, वह भी तरजेगा। मूचा नौ है नीच जाति का। जैसे वाल्मीकि सी नीच जाति सी, नाम जपने से रोशन हो गया नाम। तो जिन्हू कोई पहचानदा नहीं सी, सियाणदा नहीं सी, नाम जपने से किड्डा बुलंद नाम रोशन होया। इस करके प्रभु का सिमरन करन वाले नू जिथों कदों कितों भी ढोई ना मिले, प्रभु दे दरों मिलती है। के नवाणे नू माण प्रभु दे दरों मिलता है। जाओ आपां इहदा शब्द विच अर्थ करिए। मिलदा माण नवाणे नू तेरे दर आके, तेरे दर आके। मिलदा माण नवाणिया नू तेरे दर आके, तेरे दर आके। मिलदा माण नवाणिया नू तेरे दर आके, तेरे दर आके। मिलदा माण नवाणिया नू तेरे दर आके, तेरे दर आके। माण नवाणिया नू तेरे दर आके, तेरे दर आके। मिलदा माण नवाणिया नू तेरे दर आके, तेरे दर आके। हां, प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा। प्रभु का सिमरन करने वाला सब दुनिया से ऊंचा हो जाएगा। प्रभु का सिमरन उदरे मूचा। प्रभु का सिमरन करने वाला बेशक नीच है, वो भी उधर जाए। गुरु साहब ऐसा सुखमणी साहब दे विच कह रहे हैं। प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन सब कुछ सुझे। प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु का प्रभु का सिमरन करने से कितने पदार्थ हो तृष्णा बुझदी तो नहीं। जे दुनिया का वाशा हो जाए फिर कहना कोई होर राज धानी खोल। जे कोई धान है फिर कहना होर हो जाए। जे वो भी हो गया फिर कहना होर कोई बिजनेस करा। वो भी हो गया फिर होर उदू उपर कहना। नहीं, किसी पदार्थ ना नहीं तृष्णा बुझदी, तृष्णा संतोख ना बुझदी। संतोख प्रभु का सिमरन करे तो बिना हिरदे च प्राप्त नहीं होंगे। जिवें आपां आगन ते के काष्ट लकड़ा सिटी जाइए वह बुझदी, होर वधदी तुरी जाऊगी, प्रचंड होजू। एवें तृष्णा जिहड़ी है वो नाम तो बिना ते सत्संगत तो बिना खत्म नहीं हुंदी। तृष्णा वास्ते प्रभु का सिमरन करना चाहिए तो खत्म हो जाए। इस करके दस्या, प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझा, प्रभु का सिमरन सब कुछ सुझा। आहा हा, प्रभु का सिमरन करने से सब इन पता लगता है भी मैं पिछले जन्म चाह सी, फिर आ हो जाना, फिर फलाने था जाऊं, इन कुल अंदर सुजन लग जाता है।
प्रभु का सिमरन करने से सब मल विशेष अवरण तिने जड़े है दोखो दूर हो जाते हैं। ऐसे महाराज ने कहा, प्रभु के सिमरन नहीं जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा। प्रभु का सिमरन करने से जम नहीं नेड़े आएगा, प्रभु का सिमरन करने से पुत्र बनते को पुत्र, धन बनते को धन, सुख बनते को सुख, ये दुनिया के सब पदार्थ मिलनगे, जो वासना सब पूरी हो जाए। प्रभु का सिमरन नहीं जन त्रासा, प्रभु का सिमरन पूर्ण आशा। प्रभु का सिमरन करने से जो ख्वाहिश है सब पूर्ण हो जाएगी। ऐसे क्या, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद में समाए। प्रभु का सिमरन करने से मल दे दोख है, मल ते पड़दे है, सारे दोख दूर हो जाएंगे, अंदर प्रकाश हो जू। जेड़ा भगवान है आपां नूं अंदर इस करके नहीं दिसदा, अंदर मैला है। ते जिवें किसे सीसे ते जवाल लग्या उहदे विच फिर निर्मल मुख तां ही नहीं दिसदा, जंगाल है। जिवें जंगाल लाहो फिर साफ हो। जो प्रभु का सिमरन करो, जिहड़ी साडे हिरदे विच मैल है ते दोख है वह दूर हो जाते हैं, फिर भगवान का इनू दर्शन अंदर होंदा। ऐसे सिमरन का फल है। जिवें आ मंदर इहदे विच कूड़ा कटका पिया होवे, आपां कित्थे बैठांगे? पहला कूड़ा कटका साफ करना पौ। यह शरीर मंदर है, इहदे विच क्रोध, यह सारा कूड़ा कटका लोभ, इहनू पहला चकना पौ, फिर भगवान दर फिर भगवान का हिरदे च दर्शन होगा। पहला सिमरन करके कूड़ा कटका चुको। ये हिरदा जिन्ना चिर साफ नहीं अपना हुंदा ते भगवान दे दर्शन नू नहीं पा सकांगे। भगवान हिरदा साफ हो नाम जपने से। आ देखो महाराज कहंदे, प्रभु का सिमरन मन निर्मल, प्रभु का सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिज माहे समाए। आहा, अमृत नाम प्रभु दा हृदय निवास कर जाएगा, फिर पुरुष अमर हो जाएगा। ऐसे क्या, प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। एक समय ना वाल्मीक ऋषि ने 10,000 वर्ष तप करया। जो करया ते भगवान ने दर्शन दते। ओ भगवान कहंदे ऋषि अखे हां, कहंदे वरदान मंग। ओ कहंदा प्रभु मैं ये कहना ते तुसी भगतां दे हिरदे च निवास करो, मेरा ये वरदान है। होर मंग। कहंदे प्रभु तुसी संत जो साधु है तेनू जपण वाले है, उन्हां दी रसना ते निवास करो। भगवान कहंदे तथास्तु। इत्थे गुरु पंजवें पातशाह ने कहा है, प्रभ जी बसै साध की रसना। अखे प्रभु जी अखे किथे रहिंदे है? संतां दी रसना ते। जिहड़े प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। ऐसे पुरशां दा भगवान कहंदे मैं दास है। जो प्रभु दा सिमरन करन वाले है उन्हां दा मैं दास है। सो इस करके भगवान ने यह सारा सिमरन दा दस्या। किड्डी हस्ती नूं पहुंच जांदा भगवान दा सिमरन करके।
ऐसे गुरु साहब फरमाते हैं, इस करके पुरुष को एक घंटा सवेरे एक अथने भगवान का सिमरन करना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। हम अपगुण परे एक गुण नाही, अमृत शोध विखे विख खाई, माया मोह परम पै भूले, सतकारा सो प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत, तह मलंत जंत्रा समझाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरनाई, एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत, तह मलंत जंत्रा समझाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरनाई। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मैं एक पासे प्रेम सहित शब्द कहूं, तुसी भाई वीर ए सारे एक पासे क्यों, तीसरे दर्जे ते मेरिया माता बहना लड़कियां ए क्यों, तेरे अंदर प्रीतम वसदा फल नूर नजारे नू, तेरे अंदर प्रीतम वसदा पाला 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 नूर नजारे नू, तेरे अंदर पाला नूर नजारे नू, तेरे अंदर पाला नूर नजारे नू, जे तू भेत उसदा पौना, 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 सिख लै गुर चरना ते न्याणा, 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 पिंडा अपना आप गौना छड़के तखत हजारे नू, 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 तेरे अंदर प्रीतम वसदा पाला नूर नजारे 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 नू, तेरे अंदर प्रीतम वसदा।
ਛੱਡ ਦਿਲ ਦੀ ਤੂੰ ਬਦਲੀਤੀ 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 पाला सतगुर न पाक प्रीति 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 सिख मुर्शिद तो ये रीति छड़ के होर सहारे नो सिख मुर्शिद तो ये रीति छड़ के होर सहारे नो सिख मुर्शिद तो ये रीति छड़ के होर सहारे नो सिख मुर्शिद तो ये रीति छड़ के होर सहारे नो सिख मुर्शिद तो रीति छड़ के होर सहारे नो सिख मुर्शिद तो रीति छड़ के होर सहारे नो सिख मुर्शिद तो रीति छड़ के होर सहारे नो सिख मुर्शिद तो रीति छड़ के होर सहारे नो अंदर प्रीतम बसदा पाला नूर नजारे नो तेरे अंदर प्रीतम बसदा पाला नूर नजारे नो तेरे अंदर प्रीतम बसदा पाला नूर नजारे नो तेरे अंदर प्रीतम बसदा पाला नूर नजारे नो वेद लेत लेत है गाउंदे वेद लेत लेत है गाउंदे लेत लेत है गाउंदे वेद लेत लेत है गाउंदे जख किन्नर तेज नी पाउंदे 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 ऐसे शेष महेश पाउंदे बहके सृजन हारे नो 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 तेरे अंदर प्रीतम बसदा पाला नूर नजारे नो तेरे अंदर
ਹਰੀ ਤੁਮ ਵਸਦਾ ਤਾਲ ਨੂਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਤੁਮ ਵਸਦਾ ਤਾਲ ਨੂਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਤੁਮ ਵਸਦਾ ਤਾਲ ਨੂਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਆਰਫਾਂ ਦੱਸਿਆ ਦਰਬਾਰ ਆਰਫਾਂ ਦੱਸਿਆ ਦਰਬਾਰ ਆਰਫਾਂ ਦੱਸਿਆ ਦਰਬਾਰ ਆਰਫਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਨੇ ਵਸਿਆ 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 ਦਰਬਾਰ ਆਰਫਾਂ ਦੱਸਿਆ ਦਰਬਾਰ ਆਰਫਾਂ ਦੱਸਿਆ ਦਰਬਾਰ ਆਰਫਾਂ ਦੱਸਿਆ ਦਰਬਾਰ ਆਰਫਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਨੇ ਵਸਿਆ 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 ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫਸਿਆ ਪਾਤਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ 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 ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਸਦਾ ਪਾਲਾ ਨੂਰ ਨਜ਼ਾਰੇ 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 ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।